हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रशांत। तो गाइस, बहुत से बच्चों को, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को लग रहा होगा कि उनका, जैसे कि पिछले साल के बच्चों का पेपर, पहले बोल रहे थे ऑफलाइन होगा, फिर बोल रहे थे ऑनलाइन होगा, देन उसके बाद पेपर ही नहीं हुआ। तो इस साल भी तुम लोग का पेपर नहीं होगा, आराम से तुम लोग पास जाओगे, बढ़िया 95% प्लस लेके आओगे। तो भाई, ये सपने छोड़ दो बिल्कुल भी, क्योंकि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो कि कोरोना का जो पूरा टाइम है वो पूरा खत्म हो रहा है, धीरे धीरे वैक्सीनेशन चालू है। तो यहाँ पे CBSE बोर्ड जो भी करता है, अपना महाराष्ट्र बोर्ड भी करता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप लोगों को न्यूज दिख रही होगी कि CBSE इश्यूज गाइडलाइन फॉर क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स टू बी हेल्ड ऑफलाइन। ठीक है, तो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे ऑफलाइन एग्जाम होंगे, जो CBSE बोर्ड के हैं। और जो चीज CBSE बोर्ड फॉलो करती है, एग्जैक्टली वही चीज़ महाराष्ट्र बोर्ड में भी फॉलो होता है। हालांकि CBSE बोर्ड में टर्म वन एंड टर्म टू करके एग्जामिनेशन हो रही है, मतलब नवंबर दिसंबर में टर्म वन का एग्जामिनेशन MCQ बेस्ड होगा और टर्म टू का एग्जामिनेशन बाद में होगा। ठीक है, बट महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली पेपर होगा बट ऑफलाइन पेपर होगा, ये फिक्स है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फिक्स है, इसे कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, अब कल का न्यूज़ क्या आता है वो तो नहीं पता, बट हाँ, जो मतलब अभी तक का कोई भी जितना भी सिस्टम है सारा का सारा, उसके हिसाब से सारे के सारे पेपर ऑफलाइन होंगे। अब आप बोलोगे ऐसा आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि आप देख लो ना यार, जो आप लोग का कम्प्लीटली सिस्टम है, आप लोग को इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि एग्जैक्टली आप लोग के कॉलेजेस चालू हो गए, आप लोग के स्कूल चालू हो गए, इवन 9वीं 10वीं के स्कूल चालू हो रहे हैं। ठीक है, और क्लास 11वीं 12वीं के कॉलेजेस चालू हो रहे हैं। तो अगर कॉलेज में बुला के पढ़ा सकते हैं तो कॉलेज में बुला के पेपर नहीं ले सकते? ठीक है, इट्स सो सिंपल। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अब आपका पेपर ऑफलाइन ढंग से ही होगा, इस बात को ध्यान रखो। अब गाइस, बात आती है कि आप पढ़ाई कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, अब तो बहुत टाइम बचा है। तो गाइस, आप सबको बता दूं कि 11th और 12th, मतलब 12th और 10th ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th के बच्चे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस टाइम पे। ठीक है, तो 10th और 12th के लिए मैं 10th के लिए तो वीकली प्लान ला रहा हूं, अगर 12th के लिए भी वीकली प्लान चाहिए तो भाई बता दो। ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियोज भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। वैसे भी मैं अगर क्लास 10th के बच्चों की बात करूं ना, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए यहां पे आप देख सकते हो मैं टाइम टेबल दे रखा है क्लास 10th बोर्ड का। यहां पे देख लो, पूरा साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरा लाइव लेता हूं और दिसंबर के पहले पूरा सिलेबस भी खत्म करके दूंगा। ठीक है, साइंस जो है यहाँ पे देख लो, आप लोग 5 बजे यहाँ पे रोज होता है, मैथमेटिक्स 6:30 को रोज होता है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो संडे के दिन होता है सुबह। टाइम टेबल आप देख लो 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, और अगर रही बात 11th और 12th के बच्चों के लिए, तो आप सीधे YouTube में आ जाओ भाई, और यहाँ पे YouTube में आने के बाद देखो, यहाँ पे आओ और सर्च मारो न्यू इंडियन एरा। यहाँ पे आपको लिख रहा है, देखो जो मैंने लिखा है न्यू इंडियन एरा, ये सर्च मारो आप लोग, और सर्च मारोगे तो आपके सामने ये देखो सारा का सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जो जो सेशन मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, आप लोग को करना क्या होता है, ढूंढना रहेगा ना, बहुत से बच्चों को ढूंढने नहीं आता है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सिंबल, यहाँ पे जो सिंबल है ये लोगो पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप बढ़िया आओ, यहाँ पे देखो वीडियो सेक्शन में आ गए, आप चाहो तो यहां से वीडियो सारा ढूंढ लो। आप प्लेलिस्ट में जाओ तो देखो यहां पे आप प्लेलिस्ट में आके सारी प्लेलिस्ट भी यहां पे आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तो सारा प्लेलिस्ट यहां पे रखा हुआ है, सारा का सारा प्लेलिस्ट यहां पे आप ढूंढ लो और आपको पूरा मिल जाएगा क्लास 11, 12 का पूरा, 10th का, 11th का, 12th का सारा वीडियोस आपको मिलेगा। अभी तो मैं नया वीडियोस भी विराट और विक्ट्री बैच की आ रही है रेगुलरली। ठीक है, और 10th का जो वीडियोस है वो देखो यहां पे पूरा कम्युनिटी पोस्ट वगैरह यहां पे आप सारा का सारा अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इन बातों को आपको सारे के सारे बच्चों को समझ के रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारा का सारा अच्छे से देख लो और पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, तो कंप्लीट तरीके से फ्री नोट्स एंड ऑल सब कुछ आपको मिल रहा है। गाइस, आप टेलीग्राम में भी जाओगे ना, तो टेलीग्राम में भी आप बढ़िया तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम में भी आप आओगे तो पूरा नोट्स मैंने डाल रखा है, जैसे कि अगर देखो आप जाते हो न्यू इंडियन एरा में, जैसे कि आप आओगे टेलीग्राम में, यहाँ पे सर्च मारोगे न्यू इंडियन एरा। ठीक है, ऐसे आओगे सर्च मारोगे न्यू इंडियन एरा। ठीक, यहाँ देख लो अच्छे से, तो ये न्यू इंडियन एरा आप सर्च मारते हो तो देखो यहाँ पे ये कुछ मतलब फेक बना रखे, नीचे वाला ये करेक्ट है, मतलब न्यू इंडियन एरा जो एन आई है, इसको क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाओ। देखो फिर यहाँ पे ऊपर आओगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भाई क्लिक करोगे ज्वाइन होने के बाद, और फाइल्स में आओगे, यहाँ पे देखो पूरा PDF डाला हुआ है, जितना PDF चाहिए भाई, पूरा 11th 12th 10th स्टैंडर्ड सारा PDF ले डालो। ठीक है, तो सब कुछ दे रखा है, बस आप लोग को ढूंढना है और लेना है। मतलब देखो टोटल 1600 फाइल यहाँ पे डाल रखी है भाई, इतना देख लो। तो आप लोग बढ़िया लो और ज्वाइन करो, पढ़ो अच्छे से एक सिंगल प्लेटफॉर्म में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाओ एंड स्टडी करते रहो। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे किसी और प्रॉपर स्ट्रेटजिक वीडियो में या फिर लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।